दोस्तों हमारी पिछली वीडियो फैक्ट्स अबाउट मुगल एम्पायर में कई कमेंट आए, जिसमें कई बुद्ध जीवन ने मुगल एम्पायर की तुलना एहोम और चोला डायनेस्टी से की है और कहा कि एहोम्स और चोलास मुगलों से कई गुना ताकतवर थे और इनका साम्राज्य भी मुगलों से बड़ा था। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन साम्राज्यों का कंपेरिजन मुगल एम्पायर से करने जा रहे हैं, जो मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्ध जीवियों की गलत फहमी को दूर करने के लिए हमें ये कंपेरिजन करना होगा। दोस्तों एहोम एम्पायर ने यकीनन 600 सालों तक और चोलास ने 400 सालों तक हिंदुस्तान के कोने पर राज किया, लेकिन याद रहे इनके साम्राज्य हिंदुस्तान के दिल यानी कि दिल्ली तक नहीं सके और जिस राज्य में स्थापित हुए थे उसके आसपास के राज्यों में फैल कर फिर से उसी राज्य में खत्म हो गए। लेकिन मुगल एम्पायर का मैप तो आप सब जानते ही हैं। एहोम्स और चोलास का एक भी शासक हिंदुस्तान के इतिहास में महान नहीं कहलाता, क्योंकि इनके शासकों ने डर डर कर अपने साम्राज्य को एक लिमिटेड एरिया में फैलाया। लेकिन मुगल एम्पायर ऑल ऑफ इंडिया में फैला और अपने वक्त की बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दी, इसलिए इंडिया के बाहर के हिस्टोरियंस भी मुगल बादशाहों को महान बताते हैं। दोस्तों अगर ये बुद्धजीवी मुगलों का कंपैरिजन मौर्य या फिर गुप्ता एम्पायर से करते तो मैं मानता भी सही, लेकिन एहोम्स और चोलास से कंपैरिजन करना एक बेवकूफी की बात है।